अगर आपने ऑर्डर दिया है उसको ज़मीन पे अमल में लाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे लोगों को बोला जा रहा है कि मार्केट बंद कर दो। तो ये क्या तरीका है, कौन सा खेल लगा के रखा है? हर 2 दिन में एक टाइम टेप बदलते, खाली बड़ी बड़ी उम्र में क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते। आपको भी क्वारंटाइन होना चाहिए था। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज पूरा देश लॉकडाउन में है, लगभग 1 महीना बीत चुका है और ऐसे में अभी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद जो है सरकारें तय करेंगी कि और कितने दिन आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन इस बीच 1 महीने पूरे बीत चुके हैं, पूरे मुमरा कौसा में 18 नगर सेवक हैं और एक ही नगर सेवक मुमरा कौसा में वो दिखाई दे रहे हैं। जे एक तरह से ये कह सकते हैं एकलौता नगर सेवक शानू पठान जो है, जो लॉकडाउन के बीच लोगों की परेशानी है वो किस तरह से लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियां दूर कर रहे हैं। हम उनसे तो बात करेंगे ही, हम उनसे कुछ सवाल भी करेंगे और वो कुछ जवाब भी देंगे। लेकिन अभी 3 मई काफ़ी दिन बचा हुआ है, वो भी पूछेंगे कि आने वाले दिनों के लिए क्या करने वाले हैं आप। रमज़ान का महीना, एक पवित्र महीना मुस्लिम समाज के लिए, और ऐसे में उसके लिए भी किस तरह से आगे आएंगे, आज उसी मुद्दे को लेकर हम आज शानू पठान साहब के साथ हैं। हमारे साथ है फिलहाल शानू भाई, लगातार जो है आपको देखा जा रहा है, पिछले 1 महीने से लॉकडाउन जारी है और ऐसे में आप जो है अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सब कैसे हो पा रहा है आपसे? देखिए, ऐसा है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है और लोगों ने आवाम अल्लाह ने मौका दिया है कि लोगों की खिदमत कर सके, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर 18 नगर सेवक है और उन 18 नगर सेवकों में से आप ही अकेले आगे आते हैं, इसकी वजह क्या आपने सारे नगर सेवकों का ठीका लिया है क्या? नहीं, देखिए मैं वो आपने देखे है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हर नगर सेवक अपने इधर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मेरे काम करने का मामला अलग है, मेरे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का काम करने का पहले से मेरा मामला रहा है, लेकिन हर नगर सेवक कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन शानू भाई जो है, किस तरह से पिछले 1 महीने से आप जो है किस तरह से लोगों की मदद कर पा रहे हैं? आप ही के एरिए में सबसे ज़्यादा जो है क्वारंटाइन हुई बिल्डिंग, और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है कि उनके लिए जो देखभाल है, जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुसीबत की सामना करना पड़ा है उन्हें, लेकिन इस बीच आपने उनको किस तरह से संभाला है? जब पहला केस विघ्नार्था बिल्डिंग में आया, उसके बाद ऑटोमेटिक उनके विघ्नार्था बिल्डिंग के जो रिश्तेदार, जो आदमी के रिश्तेदार थे, वो मुस्कान, फिर वहाँ से शबनम, वहाँ से फिर घूमते घूमते ये मामला तहसीन तक आ गया। पूरे वार्ड में मेरी 6 बिल्डिंगें जो है पेशेंट मिले उसमें। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज के दिन वो सारी 6 बिल्डिंगों को सील खोल के उनको वो बिल्डिंगें सील खोल दी गई और उनके जो घरवाले थे, जो पेशेंटों के घर वाले, जो रिश्तेदार, वो भाईंदरपाड़ा में क्वारंटाइन में थे, वो सारे लोग आ गए। टोटल कितने लोग आए हैं? टोटल अभी तक उनके परिवारों को मिला के अभी तक 16 लोग आए। मुमरा से शुरुआत, अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहीं से शुरुआत हुई थी, ये अमृतनगर जहां से आपका जो है वार्ड जो लगता है आपके एरिया से, लेकिन इस बीच जो है कितनी बिल्डिंगें अभी तक खोली गई हैं क्वारंटाइन से और कितनी बिल्डिंग बची हुई हैं खोलने तक? अभी तक अमृतनगर की सारी बिल्डिंगें क्वारंटाइन की खोल दी गई हैं। एक ही बिल्डिंग है जो घासवाला पे है, वो भी जल्द से जल्द खोल दी जाएगी, लेकिन अमृतनगर जो रेड जोन था उनकी सारी बिल्डिंगों की सील खोल दी गई है। उनके जो परिवार क्वारंटाइन में थे वो सब आ गए। पेशेंट रही बात, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं सिविल से, वो एहतियाती के नहीं क्वारंटाइन में भाईंदरपाड़ा में रखे गए। आज एक पहले पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है जो विघ्नार्था बिल्डिंग के था, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। आजकल में ज़्यादातर 4 से 5 पेशेंट जो पॉजिटिव थे वो सारे पेशेंट मुमरा में आ जाएंगे। आपके इलाके में मतलब टोटल जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो कितने थे और उसमें से कितने आए हैं रिटर्न? मेरे इलाके के अंदर अभी जो पेशेंट थे वो लगभग एक ही फैमिली के अंदर के 9 पेशेंट थे, फिर 9 पेशेंट के बाद घासवाला भी मेरे इधर से आ गया, तो ऐसा करके लगभग 14 पेशेंट मेरे इलाके के थे। लेकिन कई इलाके दीवा प्रभाग समिति के मुमरा में जोड़ दिए गए थे, जिसकी मैंने कमिश्नर साहब से विरोध जताया और समीर ओनलाल साहब ने, महेश आर्य साहब ने उसको दुरुस्ती करके वो रिपोर्ट को कि ये महानगर पालिका अपना
मुमरा प्रभाग समिति में वो पेशेंट नहीं आते, वो दीवा प्रभाग समिति के ऐसे रिपोर्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिए। लेकिन ये कैसे हो पाया जैसा कि 9 पेशेंट को जो है मुमरा में जोड़ दिया गया, ये मतलब इसमें क्या लापरवाही अधिकारियों की है या क्या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रहा होगा? टेक्निकल उनको ऐसा लगता है, देखने में जाए तो वो मुमरा शहर दिखता है, लेकिन मुमरा शहर को देख नहीं सकते आप, क्योंकि उनका सारा मामला जो है दीवा प्रभाग समिति अंतर्गत आते, नगर सेवक दीवा प्रभाग समिति में आते, वो है दीवा प्रभाग समिति में, तो सारा मामला दीवा प्रभाग समिति में आता है। इसीलिए हमने बोला कि जब वो दीवा ही प्रभाग समिति है तो उसको दीवा प्रभाग समिति ही की गिना जाए। कौसा इलाका है वो, मतलब दीवा में लगता है कुछ हिस्सा, लोगों को मालूमात के हिसाब से नहीं था जो इसमें जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर आपके हिसाब से हो जाएगा, उधर आपने भी शिकायत की है और भी लोगों ने समझो शिकायत की है। लेकिन अब ये मुझे बताइए, इस लॉकडाउन के बीच, पिछले एक महीने से लॉकडाउन है, लोग जो है खाने को मोहताज हैं, तरस रहे हैं, और ऐसे में जो है आपने लोगों को किस तरह से मदद किया है? देखिए, मैंने माननीय जितेंद्र अवार्ड सबके नेतृत्व में 10,000 लोगों को एक अनाज का किट बना के दिए और 10,000 लोगों तक भाजी पाला उनके घरों तक पहुँचाए, घरों तक, मैं ना ही रास्ते पे ना ही उनके घर पे, जो ज़रूरतमंद है उनके घर पे 10,000 लोगों तक ये किट पहुँचा दी गई। तो क्या लगता है आपको, 10,000 जो लोग हैं उन्हें इतने ही यहाँ पे लोग थे, मतलब उनको मतलब देना चाहिए था, और भी लोग रहे होंगे? नहीं पहुँचे, बहुत लोग है। मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका के से मांग करता हूँ कि जैसे थाना में कई संस्था के थ्रू लोगों को अनाज दिया जा रहा है, ऐसा ही मुमरा में हर नगर सेवक को 5,000 पैकेट का अनाज उनके वार्ड में दिया जाए ज़रूरतमंदों को। अच्छा। क्योंकि मुमरा बहुत लो पर गरीब तबका है, बहुत ज़रूरतमंद लोगों का तबका है, यहाँ पर हर नगर सेवक को 5,000 पैकेट देना चाहिए जो वो अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सके, यह महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। ऐसा ही कई जगह पे थाना में किया जा रहा है। मैं आपसे यही आपके जरिए मांग करता हूँ, कमिश्नर साहब से और जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, कि वो सबसे पहले ये पहल करें। खाली बड़ी बड़ी मुमरा में क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मुमरा में ठोस क्या करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आप बड़े बड़े थाना में से बड़े लीडर है, मुमरा के बड़े लीडर है, कहाँ आपकी बड़ी पोस्ट है महानगर पालिका के अंदर, आपको ये बोलना चाहिए कि जैसे थाना के अंदर मिल रहा है 5,000 लोगों को संस्था की तरफ से महापालिका दिलवा रही है, क्यों मुमरा को नहीं दिलाया जा रहा है? मुमरा ऐसे उससे वंचित अभी तक क्यों रह गया? ये मेरी मांग है कि मुमरा को भी, मुमरा के हर वार्ड के हर नगर सेवक को 5,000 किट मिलना चाहिए जो संस्था के जरिए थाना में दिलाई जा रही है, ऐसे ही मुमरा को भी दिया जाए। मतलब थाने में दिलाई जा रही, मुमरा में नहीं दिलाया जा रहा? मुमरा के अंदर खाली बातें ही है बेचारा। हमारा जो शहर है ना, वो बहुत भोले लोगों का शहर, वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को, किसी को भी चीज़ को देख लेता था, हर बहुत खुश होकर उसको सोचना नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ हो रही। यहाँ पे दूर से बातें करना बहुत आसान है, कंक्रीट काम कराना देना बहुत मुश्किल है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कंक्रीट काम कराइए, मुमरा के हर नगर सेवक को 5,000 उसके क्षेत्र के अंदर किट दिलाइए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। और हम 70,000 लोगों तक, हम अगर पूरे मुमरा प्रभाग समिति में पकड़े तो हम लगभग 1,10,000 लोगों तक हम किट पहुंचा सकते, अगर 5,000 एक को गए तो। मेरे हिसाब से मुमरा को सके सभी ज़रूरतमंद तक, उन फैमिली तक वो सामान पहुंच जाएंगे। सानू भाई, अक्सर आपको देखा गया है, आपके साथ जो है कई लोग, आप ही के मतलब जो है जो कार्यकर्ता भी कहें या फिर जो है आपके जो साथ में, जैसा शमीम खान हो गए, जो है कंधे से कंधे मिलाने वाले लोग जो है क्वारंटाइन हो गए, जो है किसी को कोरोना हो गया है, पॉजिटिव आए हैं कि कोई पॉजिटिव आया है, लेकिन आप इस बीच अकेले कैसे मतलब यहाँ पर पूरे मुमरा में जो है चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? आपको भी क्वारंटाइन होना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि जो शमीम भाई है, बाकी जितने भी हमारे लोग हैं, वो क्वारंटाइन हुए तो वो उनकी तबीयत में नासाज हुई थी, वो आए थे, शमीम भाई भी बेचारे यहाँ पर आए थे और वो सोचे थे खिदमत करूँगा, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उनके परिवार क्वारंटाइन में, उनके साथ में परिवार भी हॉस्पिटल में, बल्कि मेरी तो शुभकामना उनके साथ है कि वो जल्दी से जल्दी मुमरा में आए। रही बात, देखिए ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह किसे कहाँ तक लेके जाना चाहता है, ऊपर वाला किससे काम लेना चाहता है। अभी वक्त अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरी तबीयत नासाज नहीं है, मैं अभी तक अपनी बॉडी के अंदर, मेरी कैपेसिटी के अंदर 1 महीना हो गया, मुझे एक भी बार ऐसी कोई शिकायत नहीं है और ना ऐसा कोई सेंटेंस मिले, मतलब ऐसी आशंका लगी कि मुझे क्वारंटाइन होना चाहिए या मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि
मैं एहतियाती के लिए दो दिन घर में भी रुका था, लेकिन मैं अच्छे से फिट हूँ। तो क्यों ये फिट और ये तंदुरुस्ती ऊपर वाले ने मुझे लोगों की खिदमत करने के दिए तो मैं ज़रूर उनकी खिदमत तो करूँगा ही। अच्छा ठीक है सानू भाई, एक बात और बताइए, अभी रमज़ान का महीना आज से शुरू है, आज पहला रोज़ा है, और ऐसे में जो है लॉकडाउन के बीच जो है आप लोगों को किस तरह से मदद कर रहे हैं, जो रोज़ा रख रहे हैं खास करके उनके लिए किस तरह से आप आगे आ रहे हैं? देखिए मैं आपको आपके आपको बता देता हूँ, आज ही हमारी भुसावल से और नासिक से फ्रूट वालों से बात हो गई, रमज़ान के लिए लगभग कम से कम 15,000 लोगों को फ्रूट किट बना के देने वाला हूँ। वो फ्रूट किट हर ज़रूरतमंद लोगों तक, चाहे कोई भी कैसा हो, मैं इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए उनके घर तक फ्रूट किट पहुँच जाएगी, के उसके अंदर दो तीन चीज फ्रूट रहेंगे और खजूर के पैकेट रहेंगे, उन तक पहुँचा के फिर वापस ज़रूरत पड़ेगी तो हर चार से पाँच दिन में फिर साइकिलिंग करके फिर किट वापस उनको दूंगा। लेकिन कल या परसों से फ्रूट के माल आएंगे भुसावल से और नासिक से, तो मैं पूरे मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 लोगों तक फ्रूट किट पहुँचाऊँ। अच्छा, मतलब आपकी कोशिश है 15,000 से 20,000 लोगों तक? हाँ, मेरी सारी व्यापारियों से, सारे किसानों से बात हो गई है, होलसेल में मुझे लेने की नहीं बात हो गई है, मैंने उनसे ये बताया उनको कि मुमरा कोसा के अंदर रमज़ान का महीना भी है, तो होलसेल मामले के हिसाब से मुझे भाव भी अच्छा मिलेगा, और मेरी ये मंशा है कि ज़्यादातर लोगों तक मैं वो रमज़ान के फ्रूट किट पहुँचा सकूँ, ये ऐसा मैंने सोचा। जितेंद्र आहवाड साहब, और वो जो है दरअसल मंत्री भी है महाराष्ट्र के, एक जवाबदार हैं, लेकिन उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो वो जो है अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि मंत्री जितेंद्र आहवाड का सर पे से हाथ आपके अभी फ़िलहाल नहीं है कुछ दिनों तक? देखिए ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने जो मुझे काम करने की आत्मशक्ति दी है और मुझे सिखाया जो है, तो ये वही तो वक्त है कि उसको अमल में लाने का। तो उनके सरपरस्ती में मैंने जो काम सीखा हूँ और जो मैंने काम किया हूँ आज मैं चला रहा हूँ। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उनकी मार्गदर्शन और उनकी उनका दुआएं हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, इसका खलता है कहीं ना कहीं पूरे शहर और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री आज डॉक्टर जितेंद्र आहवाड को लोग मुमरा कलवाक से नहीं मांगते, शोलापुर के पालक मंत्री है और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री है, उन्होंने आने के बाद कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए महाराष्ट्र कैबिनेट में, तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सवाल कह रहे हैं कि मुमरा कौसा में वो यहाँ पर आते रहते या वो ठीक रहते तो आप और ज़्यादा जो 20,000 लोगों तक पहुँचे हैं, आप राशन बांट रहे, किट बांट रहे, ज़्यादा बांटते थे आप? नहीं नहीं, वो तो उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, उनकी कमी, और मुझे यकीन है कि वो जल्दी आएंगे भी। लेकिन उन्होंने जो एक उस्ताद अपने शिष्य को जैसा सिखाता है, आज उसके शिष्य का जिम्मेदारी है कि अपने उस्ताद की दीवी जो राह है उस पर सही चल के उस्ताद का नाम रोशन कर सके। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरा अल्लाह जानते कि मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी ताकत लगा के मुमरा कौसा की आवाम को अकेले नहीं छोड़ेंगे हम लोग। लोग ये सोचते होंगे कि मुमरा का पूछने वाला कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ आपके माध्यम से कि ये गुमान छोड़ दे, मुमरा को पूछने वाले, मुमरा की फिक्र रखने वाले हम लोग हैं। अब मुमरा को ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता, हमारी पूरी नज़र है मुमरा के ऊपर, हर मुद्दे पे जो भी कोई समस्या होगी हम आगे बढ़ के उसको हल करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन सानू भाई, आप जो है आप ही आगे रहते हैं, बाकी के जो नगर सेवक है उनको किस तरह से लेकर चलेंगे आप जो है, और दूसरी बात 20,000 आपके वार्ड में, आपके इलाके में आप जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बाकी के अगर नगर सेवक करते हैं तो कैसा रहेगा, फिर सबको पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा आप अकेला कितना कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अपने वार्ड के साथ साथ मुमरा कौसा के कई जिम्मेदार लोगों जो बताते, तो मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों को बनाया, जैसे आसिफ भाई, शाकिर भाई, ऐसे बहुत से हो गए, जाहिद भाई, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं, बबलू सैयद है, आरिफ पतंग है, कौसा में सारे नगर सेवक, शरीन मैडम, बहुत से नगर सेवक, जफर भाई, राजू भाई, अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और आज आपके मैं प्रहार टाइम से मुमरा कौसा के उन एनजीओ, उन नौजवानों को सलाम करूंगा जो छुप के काम कर रहे हैं, वो मुमरा के हीरो है, मैं उनको मुमरा का रियल हीरो मानता हूँ, जो आज गली गली में लोगों तक खाना पहुंचा रहे, लेकिन
उनका राजनीतिक कोई लेवल नहीं है, उनको राजनीति से कोई मामला नहीं। हम तो फिर भी ठीक है, हम राजनीतिक पॉलिटिशियन है, लोग हमको सवाल करेंगे, हम ये भी बात सही है कि हम ये काम जदाक अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पॉलिटिशियन है। लेकिन ऐसे कई नौजवान हैं कि हर गली के अंदर हर गलियाँ संभाले, लोगों को राशन पहुँचा रहे, लोगों को दवाएँ पहुँचा रहे। मैं ऐसे मुमरा कौसा के NGO, ऐसे मुमरा कौसा के हीरो को जिन्हें मैं देखा हूँ, असली हीरो मेरी नज़र में मुमरा कौसा के वो नौजवान, वो NGO, वो जमात है जो नीचे से छुप के दिन रात मुमरा कौसा की खिदमत कर रही है। आज इसी लिए हमारे पास गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, उनकी हमारी पूरी टीम और ऐसे NGO और ऐसे नौजवान मिलके इस शहर को लेबल बैलेंसिंग रखे, नहीं तो इस एक महीने के अंदर लॉकडाउन के कारण मुमरा कौसा के अंदर लेबर तबका बहुत गरीब तबका, बहुत ज़रूरतमंद तबका है। अगर ये सारे लोग ना होते तो रोड लोग आवाम पैनिक होके रोड पे होती। अब आखिरी सवाल है सानू पठान साहब आपसे जो है कि अब जो है ये रमज़ान महीने में आप लोगों को किस तरह से पहुंचाएंगे राशन वगैरह, और दूसरी बात ये जो आपने बताया कि अभी हम जो है भुसावल से मंगाने वाले हैं केला वगैरह, तो ये किस तरह से आप किस टाइमिंग पे कहां से आप देंगे जो लोग लेकर जाएंगे जो इसका लाभ उठाएंगे? मैन हम लोगों ने 346 लोगों की एक टीम बनाई है और वो गली गली हमने पूरा हमारे पास डिटेल है, एक गली के अंदर कितने घर है, उन टीमों को सब उस टाइम पे बुलाएंगे। उन टीमों को बुलाने के बाद एक बिल्डिंग के अंदर अगर 40 घर है तो वो 40 किट उस बिल्डिंग के नीचे रख के वो बिल्डिंग वालों को दे दी जाएगी। एक चाली में 430 घर है तो 430 किट वहाँ पे आएगी, वो वॉलंटियर वो 430 चाली को लोगों को देंगे। ऐसा हमने पूरे डिटेल, और अब तो हमारे को डिटेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने प्रैक्टिकल ये काम को एक महीने में किया है। अब हमारे को आसानी है, पहले दिक्कत होती थी लेकिन इस बार हमको बहुत आसानी है। कई ज़रूरतमंद लोग मुमरा कौसा के अलग अलग इलाके से हमको हमारे तक मैसेज भी पहुँचा है, हम उन तक भी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सरकार ने ऐलान किया जो है कि मतलब राशन मिलेंगे लोगों को, राशन दिया जाएगा फ्री में जो है, लेकिन आज देखा जाए तो सिर्फ 5 किलो चावल मिल रहा है और उसमें भी सिर्फ राशन कार्ड वालों को ही जो है चावल दिया जा रहा है, जिस मेंबर के हिसाब से दिया जा रहा है। तो जिनके पास नहीं है राशन कार्ड वो क्या करेंगे? आज इस देश में जो है बहुत सारे जिलों से, बहुत सारे देशों से, राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और ऐसे में वो लॉकडाउन में फंस गए। अब वो सिर्फ चावल मिल रहा है, वो भी सिर्फ राशन कार्ड वालों को मिल रहा है और उनको नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, सरकार ने 5 किलो चावल दिए, मैं आपको सीधे से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मेरे आपके माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से भी ये मांग कर चुका हूँ और अभी मांग आगे करने भी वाला हूँ कि हमारे पास दाल खिचड़ी का बजट है और हम महानगर पालिका के पास करोड़ों रुपए का बजट है, 4,400 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, तो हम क्यों रखें इस बजट को? आज वक्त आ गया है, लोगों को हमें देना चाहिए, लोगों को सुविधा देना चाहिए, लोगों को अनाज देना चाहिए। मैं वापस एक बार बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से थाना के अंदर किट के संस्थाओं के जरिए किट महापालिका बना के वार्डों में दे रही है, मुमरा कौसा के हर नगर सेवक को 5,000 किट दी जाए ताकि वो अपने वार्ड के ज़रूरतमंद लेबर तबके को उन थोड़े दिन के लिए राहत पहुंचा सके। मतलब यहाँ पर लापरवाही हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बेचारे काम यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के बेचारे NGO यहाँ के ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे काम करते हैं। कुछ लोग आके बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते लेकिन उनको ये समझता नहीं है कि प्रैक्टिकल आकर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, आप इतने बड़े बड़े अलग सब मामले पे, तो आपको महानगर पालिका के अंदर आपको ये आपके आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे दानिश्वर, बड़े समझदार और बड़े ही आपकी रसूखदार लोगों, तो आप मुमरा कौसा को हर नगर सेवक को 5,000 किट जैसे थाना में मिल रही वैसा दिलाई जाए। ये क्या सानू भाई, लगातार जो है जब से लॉकडाउन जारी हुआ है, लॉकडाउन किया गया है तब से लेकर अब तक कई बार टाइम टेबल बदले गए हैं, दुकान खुले रहेंगे बंद रहेंगे, कौन से टाइम में कौन से टाइम में नहीं, इसको लेकर तो चर्चा होती रहती है, तमाम तरह के लोगों की शिकायतें भी आती रहती है। लेकिन कल जो है देखा गया कि जो लेटर दिया गया था वो लेटर के बावजूद लोग जो है जो पुलिस वाले हैं वो मान ही नहीं कर रहे हैं, तो इस पर ज़रा आप बोलिए। महानगर पालिका ने जो टाइम दी है रमज़ान का, उस टाइम के लिए आज पहले रोजे पे ही खाली वो पेपर दिखाने से और ऑर्डर लाने से काम नहीं चलेगा कि आ गए अब पेपर दिखा दिए या ऑर्डर का टाइम ले लिए, उसकी अमल बजावनी यहाँ नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ, आज सुबह से शहरी से ही
लोगों की शिकायत आ रही है कि मार्केट बंद करने के लिए उनको बोला जा रहा है महानगर पालिका की ओर से। मेरी आपके सामने सूचना है और मेरी विनती भी और आग्रह भी है कि ये सब मत करिए। जो अगर आपने ऑर्डर दिया है उसको ज़मीन पे अमल में लाना पड़ेगा। वो ऐसे टाइमों में व्यापारियों को और मुमरा कौशल की आवाम को परेशान ना करें। ऐसे में वो अपनी शहरी और इफ्तारी का सामान लेने जा रहे, उनको जो आपने प्रशासन ने टाइम दिया है उस पर प्रशासन कायम रहे। बार बार बदले ना, आप जो टाइम कल दियो आज उसको आप अमल कर रहे नहीं हो। सुबह 7 बजे लोगों को बोला जा रहा है कि मार्केट बंद कर दो। अच्छा, जबकि आपने टाइमिंग दिया है 3 से 12 बजे तक। तो ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, कौन सा खेल लगा के रखा है? हर 2 दिन में एक टाइम टेबल बदलते हैं। तो ये थे नगर सेवक सानू पठान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे 1 महीने से लगातार, चाहे वो इस लॉकडाउन के बीच, चाहे किसी भी तरह की दिक्कतें हो, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और ऐसे में तरह तरह की, आपने सुना कि कई सारी बातें हमने सानू पठान से की है, और उन्होंने उनके जिगर को सलाम, जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और आज का पहला रोज़ा है और इसको लेकर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि रमज़ान में जो है हम जो है ये भुसावल से इफ्तारी की जो सामान है वो लाने वाले हैं, वो लोगों तक 15-20 हज़ार लोगों तक पहुँचाएंगे, और उनका मानना है कि और भी आगे तक पहुंचाएंगे। आज चलते चलते में मैं उनसे बात कर रहा था, सबसे पहले कोरोना का पेशेंट इन्हीं के इलाके से मिला था, और आज इन्हीं के इलाके में धीरे धीरे जो है वो सब ठीक होते जा रहा है। कई बिल्डिंगें खुल गई हैं जो क्वारंटाइन में थी। तो कहीं ना कहीं सानू पठान का एक बड़ा अहम रोल इस जगह पर है, और यही वजह है कि आज पूरे मुमरा कौसा में सानू पठान का एक नाम चर्चा तो है ही है सभी के जबान पर, क्योंकि ऐसे लोग इस लॉकडाउन में जो इनके साथी थे, जो इनके साथ दिखने वाले लोग थे, वो तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपने सुना सानू पठान जो है उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, और इसी के साथ कैमरा मैन नज़ीर के साथ प्रहार टाइम फिरोज हाशमी मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।